के माध्यम से पता चला है और कल से यह न्यूज चल भी रहा है कि राहुल गांधी, उनके परिवार के लोग और कुछ मुख्यमंत्री जैसे अशोक गहलोत, भूपेश बघेल जी, उनके परिवार से प्रियंका वाड्रा, ये सारे लोग आज सूरत जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ और वहां पर अपील करने के नाम पर हुड़दंग करने वाले हैं, रास्ता रोको, नौटंकी करो, इस प्रकार का एक माहौल गुजरात में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का परिवार बनाने वाला है। बंधुगण, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये हंगामा बरपाने की आवश्यकता क्या है। आप सोच के देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम कुछ प्रश्न राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि क्या यह हकीकत नहीं है कि राहुल जी, आपने ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, उस जाति में आने वाले हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए आपने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, उन्हें आप चोर कहके आपने उन्हें संबोधित किया, उन्हें गाली दी, उन्हें अपमानित किया, और देश के कानून के अंतर्गत जब केस चलता है तो स्वाभाविक रूप से आज ढोल नगाड़े के साथ, ताम झाम के साथ, अपने परिवार वालों के साथ और कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ आप आज सूरत जा रहे हैं। क्या आप न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं? क्या आप भारत के न्याय प्रणाली जो है, न्यायपालिका जो है, इंडियन जुडिशियरी, उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं? My take on this issue is very clear. This is not the first time that a politician is convicted of a crime. When Narasimha Rao, former Prime Minister of the Congress Party, was convicted, did Congress Party raise this kind of hue and cry and then put pressure on the judiciary? Never. Even Chidambaram recently went to jail. Did Congress went around shouting like this and putting pressure on the court? Never. The basic issue is Congress party treats one family, one leader from a family as a person above the country. Forget above the party. This kind of psychopathy towards one family is not good sign for the democracy. My point is very simple. Why Congress party is trying to put this kind of undue pressure to the judiciary? There are means and ways to deal with all judicial matter, but is this the way? Has there ever seen a case like where the entire party is trying to gherao a court? When ED takes action, they want to gherao the ED office. When CBI takes action, they want to gherao CBI. When court gives a verdict, they want to take over the court complexes. This kind of activities is demeaning the Indian democracy. एक तरफ बीजेपी पार्टी कहते हैं कि राहुल जी क्यों नहीं जुडिशियरी के पास जाते हैं, उनका अगर केस है तो क्यों नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो भी उनको बुरा लगते हैं, हम तो जुडिशियरी के पास ही जाएंगे। राहुल गांधी जो कह दिए हैं वो डरते नहीं, डरने वाला है नहीं, वो मोदी जी से और अमित शाह जी के सामने सर झुकाएंगे नहीं।
तो कहां जाएंगे? जुडिशियरी के पास ही तो जाना है। जो जुडिशियरी उनके उनके ऊपर आरोप के चलते कॉन्विक्शन दिए हैं उनसे ही उनको राहत मांगने के लिए दोबारा जाना पड़ेगी। एक तरफ आप लोग ज्ञान दे रहे हैं कि राहुल गांधी को कोर्ट में जाना चाहिए, अगर कोर्ट में जाते हैं तो भी बुरा लगते, आपको खुशी करे कौन? ना राम ना रहीम, दुनिया में और सारे विश्व में कोई मोदी को और अमित शाह को खुशी नहीं कर सकते। सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।